चेयरमैन साहब बैठे हुए सब लोगों ने बहुत ज्यादा तारीफ की, बात की तारीफ करते हैं। निखान साहब को आप लोग नहीं जानते, जो इनके गरीबी साथी वो अच्छी तरह से जानते हैं। जब ये बे उठाते हैं कि मैं परसों लड़ा इस्लामाबाद में मेरी बिल्डिंग है, मेरी सीन है और सुबह की फ्लाइट से जाऊंगा, शाम की फ्लाइट से वापस आ जाऊंगा, जैसे हम लोग दस्तर उठाते तब बीच में अपने खर्चे पे, ये भी अपने खर्चे पे। हम लोग अक्सर कहते हैं जो गरीबी साथी के सभी साहब हम ही मिनट देते हैं, तो कहते हैं क्या ये काम मैंने कभी जिंदगी नहीं किया सर, या ऐसे किसको मिलते हैं। ये गरीब जो बैठे हुए लोग हैं ना, ये उनसे पूछो कि ये जब भी होंगे तो फिर हम देखेंगे कि ये जिम्मेदारी जब आप लोग में बढ़ती ना, हम लोग कंधों पर आएगी, फिर हम क्या करते हैं या कितने बड़े एहसान जताएंगे लोगों में कि हमने तो ये कर दिया और दुनिया के लिए ये कर दिया। ये दरवेश से पर इंसान और शुजात से भरा हुआ, बहादुरी से भरा हुआ, स्टैंड लेने वाला वीरों के लिए, इनके अपने जो पंप है अल्लाह के फजल से पांच छह पंप है, कम से कम सेवे हैं जितने आप लोग फिक्र करते हो ना कि किसी गांव की स्टेशन पे पंप होते हैं, तो यार फायदा तो हम लोगों को है जो मिलियंस ऑफ लीटर बेचते हैं और हम लोग को दो पैसे बहुत अच्छे मिल जाते हैं। ये बात तो यहाँ पे खत्म होगी। एक साथी ने जो ना बड़ी अच्छी बात की, ये डी रेगुलेट अगर हो गया तो फिर क्या होगा। मैं तो कहता हूँ कि डी रेगुलेट करे तो व्यू को भी साथ करे, क्या मामला हो गया ना किसी कमी से भी मार दे। अभी तो हमें रुब्रिकेट जो है ना एक प्राइस में मिल रहा होता है और आप लोग हाई स्ट्रीट पर तो दूसरी प्राइस में देते हैं, 33-34 रुपए पर लीटर जो है डिस्काउंट देना शुरू कर देते हैं। इसी तरह मेडिकल में करना शुरू कर दिया आपने कि भाई आप छोड़ो, भाई 6 रुपए को छोड़ो, मैं 12 रुपए देता हूँ, मेरा दिन भी तो अपनी कंपनी लोग के पास जाएगी कि 12-14 रुपए दो ना मेरे से, तो फिर कहते हैं कर लो आप ऑलरेडी, तो क्या डीजल पेट्रोल में नहीं करोगे आप लोग। तो डी रेगुलेट अगर करना है तो हमें भी करो और कंपनियों को भी करो। आप आजाद हो भाई, जहां से भी माल लेना चाहो तो ये तो हमारा बोर्ड लगा दो, शेटका लगा दो, लगा दो, माल लेने में जो सत्ता दे हमें वो दीजिए। बाकी डी रेगुलेट का जो भी माहिदा होना है या जो भी मीटिंग होनी है, हम की भी ये के फोरम पे अगर हमारी शिरकत की होगी तो हमें वो कबूल ही, मतलब वो छोड़ दो के हम जो है ना उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक भाई ने जो है ना बात की कि एसी पता नहीं छापे मारता है या बाथरूम चेक करता है या वो खातून आ जाती है, हमारे मीटर चेक करती है और मैं तो मीटर में ऐसी कोई तैयार ही नहीं है, मेट्रो जनरल में कोई अगर बदमाशी से या बदमती से या ज्यादा से वो करती भी है तो आप मरकजी क्यादत की तरफ देखेंगे ना तो हमें कराची से पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाती है। हमारी इमरान बैठा हुआ है, इनके साथ बदमाशी की, इनसे पूछ लो कि इन्होंने क्या किया, उसी वक्त ऐलान किया कि पूरे डिस्ट्रिक्ट को बंद कर, उन्होंने हार जोड़े कि जुर्माना भी वापस लेते हैं भाई और आइंदा छापा भी नहीं मारेंगे। और वो उसी वक्त जो है ना आप लोग ऐलान करो कि भाई पूरे डिस्ट्रिक्ट के पंप बंद करो, मैं भी कह दो कि पूरे के पंप बंद करो, एक डिस्ट्रिक्ट के पंप कराओ ना, 5 पंप है 10 पंप है, फिर देखना कि क्या होता है। वो जुर्माने मेरा रब जानते कि अपनी जेब से नहीं मरे ना तो फिर मुझे पढ़ना चाहिए, पता नहीं क्या बोल रहा था यार, मैं समझ नहीं आया। चराग साथी बैठे हुए थे, वो नवाज साहब थे, ये दो तीन साथी और थे, रिवान साहब थे, तो नागपुर पे बात हुई। मैंने बोला भाई मैं तो 2000 से पंप चला रहा हूँ, मैं तो 300 का दूसरे पंप भी है मेरे पास, तो मैं भूखा नहीं मरा हूँ पूरा देश में, तो इसका मतलब दूसरा भी नहीं मरेगा। मैं मुझे एक पंप कितना मुझे 10 लाख 12 लाख रुपए दे दी, 6 लाख दे दी, वो अगर मैं हलाल तरीके से ले लू, मैं क्यों कि मैं 30,000 बैठा हूँ, मुझे तो यार 30,000 रुपए बचने चाहिए भाई। यही पंप जो है ना 10-12 लाख रुपए ही बचाते हैं, वो अच्छे तरीके से अगर कमा ले, नहीं हम तो वो क्लेम करेंगे कि मैं अगर लाख लीटर बेचूं तो मुझे तो 60 लाख रुपए बचने चाहिए भाई। 60 की भी सोचो ना, अब 15-16-20 की सोचो ना कि पंप की कमाई यही होगी, हम छोटे पंप पहले तो ये भी नहीं होगी, ये अच्छे पंपों की बात कर रहा हूँ। नागपुर को भाई पहले आप लोग 5 लीटर या 20 लीटर पे कैलकुलेट करो, कोई नुकसान नहीं होगा, 3 से 4 महीने 5 महीने इसको तजर्बा करके देख लो भाई, मेरे अगर नुकसान होगा तो मुझे गलियां देना शुरू कर दो, क्योंकि हमारा नुकसान करते हैं। हम लोग भी पहले यही कुछ करते थे जो दुनिया करती थी, ये नहीं कह दो कि हम लोग चोर है या हम लोग बंद कर रहे, पता नहीं इतना अच्छा कमीशन हो गया है, इतना अच्छा मार्जिन हो गया है, ये हम अपने खाते में क्यों मिल रहे, ये तो हमारे है ना,
ये तो हमें मिल गया भर्ती जेल में डालेंगे छोड़ दो ना यार, थोड़ा सा कस्टमर को केयर कर दिया, थोड़ा सा दे दिया, कौन सी क्या होता है। ये 6 रुपए पे हमारा उतार अभी नहीं है, ये भी 3-4 महीने की खुशी है। बिजली के बिल दूसरे प्राजा इतने बढ़ रहे, हमें मुसलसल जदोजहद करनी पड़ेगी इस फोरम पे, हमें बार बार जो है ना हर 2 महीने बाद जो है 8 महीने बढ़ाने पड़ेंगे। जब ये टीम आई थी शहबाजी साहब से मैंने कहा सर ये झगड़े अगर हमेशा के लिए खत्म कर देना तो जब भी आपके 5 रुपए बढ़े तो हमारी 50 पैसे बढ़ा दिया करें, 30 पैसे बढ़ा दिया करें, रुपए पे जो है ना 20 पैसे बढ़ा दिया करो, 25 पैसे बढ़ा दिया करो, तो हम चुपे उसका पता भी नहीं चलेगा और हमारा काम भी होता रहेगा। जब थोड़ा थोड़ा बढ़ा तो कभी कहते हैं यार बोलो कुछ तो करिए ना, जब हम बैठ जाते हैं साल में बैठ जाते हैं पता चला वो माध्यम रुपयों में चला गया, फिर कहते हैं एहसान भी बढ़ा है कि हमने 40% बढ़ा दिया, 50% बढ़ा दिया, पता नहीं 3% बढ़ा दिया। तो इन बातों के साथ मैं थोड़ा सा टाइम ले लिया आप लोग का, ये मेरा अपने तजर्बा ये कि खुदा के लिए यार आप लोग बिल्कुल सही हो जाओ, एसी की क्या मजा है यार कि पंप पे आके जो ना पीछे की सुबह पड़े, आप पूरा बैठी कोशिश तो करो ना। मेरी टीम आई थी भाई मुझे इजाजत हो तो मैं चंद पंप को आप इनोग्रेट करके दूंगा, उसमें फायदा ही फायदा है। और सलाम।